द्वारका जिला के स्पेशल स्टाफ ने 4 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो केवल फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटते थे। पुलिस ने इन बदमाशों से गाड़ी लेने वाले 2 रिसीवर को भी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 फॉर्च्यूनर गाड़ी और 32 बोर की 2 पिस्तौलें, 4 देसी पिस्तौलें, 8 कारतूस और 1 I-20 कार भी बरामद की है। आरोपियों की पहचान विक्रम उर्फ विक्की, अर्जुन विक्की उर्फ मोटा, रोहित अशरफ भट्ट और रमेश सिंह के रूप में हुई है। द्वारका जिला के स्पेशल स्टाफ ने 4 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो केवल फॉर्च्यूनर गाड़ियों को लूटते थे। द्वारका जिले के DCP एम हर्षवर्धन ने बताया कि 17 मार्च को थाना द्वारका साउथ में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लूट की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जाँच स्पेशल स्टाफ ने शुरू की। स्पेशल स्टाफ ने इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की। वहीं सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि आरोपी वारदात के लिए I-20 कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाया और विक्रम उर्फ विक्की, अर्जुन विक्की उर्फ मोटा और रोहित को गिरफ्तार कर लिया। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक मल्टी स्टेट गैंग को पकड़ा है जो कि फॉर्च्यूनर गाड़ियों को रॉब करते थे और जो वेपन सप्लाई का भी काम करते हैं। यह पूरा ऑपरेशन हमारे स्पेशल स्टाफ में इंस्पेक्टर नवीन के अंडर ही काम हुआ। ये स्टार्ट हुआ 17 मार्च को, जब द्वारका सेक्टर 10 में एक खबर आई कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को तीन लड़कों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटने की कोशिश की है। द्वारका सेक्टर 10 में लूट कर ले गए, ड्राइवर को आगे जाकर बड़ूसराय गांव के पास छोड़ दिया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आगे गाड़ी भी उनको छोड़ना पड़ा कै विलेज के पास। बड़ी सो गंभीरता से लेते हुए कि कौन लड़के हैं जो इस तरह के इंसिडेंट को कर रहे हैं, हमारी टीम इसमें इमीडिएटली एक्टिव होकर टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों के बेसिस पे ने इन लोगों को आइडेंटिफाई किया। और जो 4 लड़के हैं जो गुड़गांव के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया। ये पता चला कि गुड़गांव के एरिया में भी उन्होंने मल्टीपल वारदात इस तरह कर चुके हैं जहाँ पे कि वो फॉर्च्यूनर छीने, कारजैकिंग किया है फॉर्च्यूनर का। और अभी तक 3 केस गुड़गांव के भी सामने आए जिसमें फॉर्च्यूनर छीने हैं। तीनों की पहचान हुई कि विक्रम अलियास विक्की, विक्की अलियास मोटा, अर्जुन और रोहित। इसमें जो विक्की अलियास मोटा है वो 2 मर्डर, गुड़गांव के जो 2 मर्डर थे इसमें पहले इन्वॉल्व रहा है। PS शिवाजी पार्क जो गुड़गांव का थाना है उसमें 2 मर्डर केस में वो इन्वॉल्व रहा है। एक केस में उसके साथ एक अक्यूज अर्जुन था और दूसरे केस में उसका अक्यूज रोहित था। तो ये जो ग्रुप है ये अब फॉर्च्यूनर छीनने के काम करने लगे। इनके पूछताछ से पता चला कि फॉर्च्यूनर छीनने के बाद जम्मू में एक कश्मीर के रहने वाले एक आदमी को जम्मू में गाड़ी डिलीवर करते हैं। तो हमारा फिर टीम जम्मू में भी रेड करने के लिए गया और वहाँ से हमने 2 लोगों को पकड़ा, मोहम्मद अशरफ भट्ट अलियास पीर जो ऐसे तो रहने वाला श्रीनगर का है बट ऑपरेट ये कश्मीर जम्मू एरिया में करता है, और एक रमेश सिंह। तलाशी के दौरान बदमाशों के कब्जे से 4 पिस्टल व 8 जिंदा कारतूस तथा अपराध में प्रयोग की जा रही I-20 कार बरामद हुई है। इसके अलावा पुलिस आरोपी विक्रम को अवैध हथियारों के स्रोत और चोरी के वाहनों के रिसीवर को गिरफ्तार करने के लिए टीम जम्मू कश्मीर गई है। टीम ने रिसीवर्स को लुभाने के लिए फॉर्च्यूनर कार का इस्तेमाल किया। अंत में टीम जम्मू से अवैध हथियारों के सप्लायर और लूटी गई कारों के रिसीवर अशरफ और रमेश को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 पिस्टल एवं 4 जिंदा कारतूस तथा इनके कब्जे से ही लूटी गई एक फॉर्च्यूनर कार भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किया गया और जो गुड़गांव से उन्होंने फॉर्च्यूनर छीना था वो उनके पास से रिकवर भी किया गया। इनके पूछताछ पता चला कि फर्दर ये गुजरात में जो 2 और फॉर्च्यूनर जो गुड़गांव में छीने थे वो गुजरात में दे रखा है उन्होंने, और एक इलियास नाम के व्यक्ति को उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में एक गाड़ी दिया है, जिसके लिए हमारे अभी फर्दर इसमें कार्रवाई अभी होना बाकी है। इन सबके पास से टोटल 6 वेपन और 12 राउंड भी रिकवर हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 4 देसी कट्टे हैं। और इस वेपन सप्लाई करने में भी इलियास का रोल सामने आ रहा है। इस चीज़ की सूचना हम गुड़गांव पुलिस को भी दे दिए हैं और आगे जो
इसमें कि मल्टी स्टेट गैंग है ऑलरेडी, एक हरियाणा दिल्ली और जम्मू में इनके जो लिंक्स हैं उनको पकड़ लिया गया है, जो आगे जो गुजरात के लिंक्स हैं उस पर अभी काम चल रहा है। पर ये जो चारों लड़के जिनको पकड़ा है, जो फॉर्चुनर का कार जैकिंग का काम करते थे, ये पहले जैसे कि मर्डर केसेस वगैरह में थे, वेपन्स होते थे और काफ़ी डेस्परेट टाइप थे, जिन्होंने गुड़गांव में भी इस तरह वारदात किया था। हमारे एरिया में उन्होंने ये करने की कोशिश किया, गाड़ी को छोड़ के जाना पड़ा उनको, बट हमने उसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए पूरे इस चीज़ को ट्रैक किया। सर, जो कश्मीर में जो फॉर्चुनर बेचा था, क्या उनका प्रोफाइल क्या है, क्या किसी टेरर ग्रुप से भी उनका लिंक है? हमने इस बारे में काफ़ी पूछताछ किया, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया है, बट अभी क्योंकि फर्दर चेन में भी काम बाकी है, बट अभी तक नहीं आया। सर, ये लोग सिर्फ फॉर्चुनर को ही क्यों करते थे, क्या रीजन है, कोई और गाड़ी थोड़ी ही लोग? इसमें बेसिकली क्या है कि फॉर्चुनर जैसे जो हाई एंड व्हीकल्स हैं उनको चोरी करना मुश्किल है, उसमें काफ़ी सारे एंटी थेफ्ट फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे होते हैं कि गाड़ी रुक जाता है, चलता नहीं है, तो उसी कारण से ये फॉर्चुनर को ड्रॉप करते थे कि ड्राइवर के साथ में, फिर आगे जाके कहीं ड्राइवर को कुछ किलोमीटर जाने के बाद ड्राइवर को वहाँ से मोबाइल फ़ोन वगैरह लूट के उसको छोड़ दिया, गाड़ी लेकर चले, ये इनका मॉडल था। कितनी ड्रॉप की रिकवर किया? टोटल हमारे पास चार फॉर्चुनर रॉबरी केस है, जो चारों गुड़गांव, तीन गुड़गांव के, एक हमारा, उसमें से दो तो रिकवर्ड हैं और दो अभी फर्दर रिकवर्ड। सर, क्या ऐसा भी कि ऑन डिमांड, मतलब डिमांड कोई आती है तभी फॉर्चुनर चोरी करते हैं? इनके मोबाइल फोन एनालिसिस वगैरह से हमने देखा कि जो रिसीवर है मोहम्मद अशरफ भट्ट, उससे रेगुलर टच में रहते थे और उससे एडवांस पैसा भी लेते थे कि ये गाड़ी डिलीवर करने के पहले। और इसमें एक गाड़ी एक बार जब कारजैकिंग करने के बाद जो विक्रम है, विक्रम अलियास विक्की, वो खुद इसको ड्राइव करके अकेला जम्मू जाकर उसको डिलीवर करके आता था, वहाँ से वापसी में फिर वो फ्लाइट से वापस आया। अशरफ भट्ट का क्या प्रोफाइल है? अशरफ भट्ट जो है करीब 60 ईयर्स के करीब का आदमी है, वो स्टोलन व्हीकल्स वगैरह में इन्वॉल्व रहता है, वेपन्स की सप्लाई में इन्वॉल्व रहता है। एक कार जैकिंग का केस, उस पर यूपी का भी उसने बताया है, जिसको हम अभी ऐसा कर रहे हैं। उसमें कितने में एक गाड़ी बेचते हैं? करीब 5 लाख ये कह रहे हैं, बट उसको हम फर्दर उस पर मनी ट्रेल वेरीफाई कर रहे हैं। सर, अब तक कितना कितने गाड़ी रूट चुके थे और कितना जो है इनको इन्होंने कमाया है? ये अभी तक हमारे पास 4 गाड़ियों का कॉन्क्रीट बाकी भी पूछताछ में देखते हैं, पर क्योंकि ये पहले भी जेल में बंद थे और ये मतलब रिलीज होने के बाद भी उन्होंने ग्रुप बनाकर ये काम शुरू किया। हथियार जो है किससे खरीदते थे, क्या ये मुरैना या वहाँ से एमपी से हैं या फिर यही असेंबल करते थे? उसमें देखिए दो तो पिस्टल हैं, पिस्टल है, तो इसको जब जो गुजरात में लिया से जिससे जिसको फर्दर दो गाड़ी भी दे रखी है वो उसका नाम ले रहे हैं, उसको पूरे बात की। सर, जो गाड़ियाँ बेचते थे क्या ऑनलाइन के माध्यम से बेचते थे या डायरेक्ट बात करके किसी को देते थे? डायरेक्टली इसके टच में थे, मोहम्मद अशरफ भट्ट के टच में थे। लेन देन कैश में? ठीक। सर, इन चारों की मुलाकात क्या जेल में हुई थी? इन चारों की मुलाकात क्या जेल में हुई थी? चारों आपस में कैसे कनेक्शन कैसे आपस में गुजरात से और कश्मीर से? इसमें तीन तो कॉलम हैं जो केसेज में रहे हैं, मर्डर केसेज में तीन साथ रहे हैं, एक केस में दो आदमी, दूसरे केस में दूसरे दो आदमी। और जो विक्रम अलियास विक्की है उसका एक कज़िन है जो कि भोंसी जेल में बंद है, तो उसके थ्रू ये सब आपस में टच में है। ठीक है सर, ठीक है सर। पूछताछ के दौरान पता चला कि विक्रम का चचेरा भाई अरुण, जो भोंसी जेल में बंद है, उसने ही विक्रम को कार जैकिंग करने का लालच दिया और उसे विक्की उर्फ मोटा, अर्जुन और रोहित के संपर्क में लाया। विक्रम अशरफ और रमेश के संपर्क में आया था, जिससे विक्रम लूटी गई कारों की डिलीवरी करता था। गिरोह का संचालन विक्रम, विक्की, अर्जुन और रोहित के साथ करता था, जो दिल्ली NCR में कारों को लूटता था। गिरोह ने अपराध को अंजाम देने के लिए अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया। वहीं गिरोह रास्ते में चलते समय चालक से मोबाइल छीनकर नाले में फेंक देता था और चालक को भी किसी सुनसान जगह पर फेंक देता था। फिर विक्रम उसी रात को अशरफ और रमेश को सौंपने के लिए कार को पूरे रास्ते जम्मू ले जाता था, जो बाद में अहमदाबाद, गुजरात में एक इलियास को कार बेचता था।
साथ ही अशरफ और रमेश विक्रम को अवैध हथियारों की आपूर्ति करते थे, जिनका इस्तेमाल गिरोह द्वारा अपराध करने के लिए किया जाता था। गुड़गांव के रहने वाले तीनों बदमाश काफी कुख्यात थे और फॉर्च्यूनर कार को ही लूटने की फिराक में रहते थे। उन्होंने लूट की कई वारदातों को अंजाम भी दिया था। वे कार लूट के साथ हथियारों की तस्करी भी करते थे और कश्मीर के रहने वाले एक बदमाश को बेचते थे। अभी तीनों बदमाश और कश्मीरी चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे और पहुंच गए अपने असली ठिकाने यानी सलाखों के पीछे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश आवर, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।